भारतीय मोबाइल फ़ोन कंपनियां कार्बन को लेकर कई सारे लोगों के मन में यह सवाल था कि कार्बन कब एक अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। फाइनली दोस्तों, कार्बन इंडिया में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है कार्बन X21। और यह जो स्मार्टफोन लॉन्च किया है कार्बन ने, वो एकदम से चुपचाप लॉन्च किया है। इसका कारण हो सकता है कि यह एंट्री लेवल का स्मार्टफोन हो, इस चलते। तो यहाँ पर इस फ़ोन से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिकेशन हमारे पास आए हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फ़ोन का प्राइस भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो 5.45 इंच के HD प्लस LCD डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि फुल व्यू डिस्प्ले यहाँ पर है। इस फ़ोन के हम बात करें रैम और स्टोरेज के, तो यहाँ पर 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ आता है यह फ़ोन। और इसमें आप 128GB तक इसका स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड डालकर। इस फ़ोन के रियर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर 8 MP का रियर कैमरा मिलता है, साथ में एक LED फ्लैश। और फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का कैमरा और साथ में वहाँ पर भी एक LED फ्लैश, यानी कि आपका जो सेल्फी है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर आने वाला है। यह जो फ़ोन है प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर यूनिसॉक का SC9863 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। और यह जो फ़ोन है एंड्रॉयड 10 के साथ आता है और इसमें गो एडिशन इनबिल्ड कराया गया है। इस फ़ोन के बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3000 mAh का बैटरी आता है। और साथ ही इस फ़ोन के कुछ कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर डुअल सिम 4G का सपोर्ट मिलता है, सिंगल बैंड वाईफाई इसमें दिया गया है। और यह जो फ़ोन है ब्लूटूथ 4.2 को सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें 3.5 mm का जैक भी मिलता है। यह जो फ़ोन है दो कलर के साथ आता है, पहला एक्वा ग्रीन, दूसरा मिड नाइट ब्लू। सो दोस्तों, ये थे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर यह जो फ़ोन है 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ जो आता है, उसका प्राइस आता है 4,999 रुपया। तो इस स्पेसिफिकेशन के साथ यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर कार्बन को लेकर कई सारे भारतीय यूजर के मन में सवाल था कि कार्बन काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करेगा, बट ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भारतीय कंपनियाँ जो भी है मोबाइल फ़ोन के, वो अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करें, बट यहाँ पर कार्बन काफ़ी इस रेस में पीछे छूट रहा है। और उनको आगे आने के लिए, भारतीय मार्केट में पूरा तरह से पॉपुलर होने के लिए, फिर से काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ, काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ अपने नए नए स्मार्टफोनों को लॉन्च करना होगा। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर कार्बन X21 से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो लाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।